हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी के सभी। तो वेलकम है ब्लड ड्रेवन के अपने फाइनल पार्ट में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इसमें जोकर एक्स सूट और फेरो का अल्टीमेट फॉर्म बहुत ही ज्यादा एक्शन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जितने भी नए बंदे हैं मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट कर लेते। अब उन लोगों का घमंड तोड़ूंगा, बहुत उछल रहे थे ना लिविक में। पता नहीं आखिर ये जोकर गया किधर, मुझसे तो कहा था कि थोड़ी देर में आ जाएगा। वो जरूर आएगा तुम्हारी बेटी देखने के लिए। ये क्या, तुम इधर? उसी टाइम उसको पकड़ के मार देते ना तो ज्यादा सही रहता। तीन लोगों से अकेले फाइट वो कभी नहीं लेगा जोकर, वो कुछ ना कुछ प्लान बना के हम पे अटैक करेगा। हाँ, एवलांच ने सही कहा, वो प्लान तो जरूर बनाएगा और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वैसे एवलांच, विंटर क्वीन की तबीयत कैसी है अब? हाँ वो ठीक है, पर मुझे अभी भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लड ड्रेवन कुछ भी कर सकता है। मैजिस्टिक फेरो दिखाई नहीं दिया अभी तक, कहाँ पे है वो? वो अभी आराम कर रहा है घर पे, कुछ ही दिनों में यहाँ पे फिर से आ जाएगा वापस। ठीक है मैजिस्टिक, मैं चलता हूँ अब, वहाँ पे विंटर क्वीन अकेली है, मुझे उसका भी ख्याल रखना है। इतनी जल्दी जा रहे हो, चलो कोई नहीं, वैसे भी काम तो हो ही गया है। ठीक है फिर तुम चले जाओ विकैंडी। अरे अब ये कॉल किसकी आ रही है? हेलो, अपनी वाइफ से मिलने के लिए रैंगल कब आ रहा है? ब्लड ड्रेवन, तू मेरे घर भी पहुंच गया? साले एंजल को कुछ होना नहीं चाहिए, देख लियो। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया, पर जल्दी अकेला नहीं आया तो इसकी पेटी जरूर बना दूंगा मैं, समझ गया ना, अकेला। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ जोकर, किसका कॉल था? ये ब्लड ड्रेवन मेरे घर पहुंच गया, उसने मुझे रैंगल बुलाया है, अगर नहीं गया तो वो एंजल को मार देगा। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, चलो चलते हम दोनों। उसने कहा है कि अकेला, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। ये उसकी चाल है जोकर, वो तुम्हें मार देगा वहाँ पे। कोई बात नहीं, पर एंजल की पेटी नहीं बनने दूंगा। तुम दोनों ने मेरा घर तबाह करके रख दिया, पहले मेरे बाप को छीन लिया, फिर उसके बाद मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काते हो, तुम्हारी तो। सुनो बच्चे, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है, अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट कर रही है। मैं उनसे तभी मिलूंगा जब तुम दोनों की पेटियाँ बना दूँ। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बस अपना मुंह बंद कर। ये बाहर कौन शोर कर रहा है, अब मुझे सोने दो आराम से। बस बहुत हुआ, अब दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी पावर्स। अब ये क्या नया ड्रामा है? ओह तो ये वो फॉर्म है जिससे तुमने फेरो पर अटैक किया था। हाँ चुड़ैल, ये वही है। अच्छा हुआ कि तू भी आ ही गया, अब दोनों की साथ में पेटी बना सकता हूँ मैं। फेरो, तुम बीच में मत आओ, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम जाओ। ये बच्चा बिगड़ गया है, इसको सुधारना तो पड़ेगा इरिडेसन। देखो हमें इसे चोट नहीं पहुँचानी है, इसकी माँ परेशान है, इसका वेट कर रही है। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम जाके साइड में खड़ी हो जाओ बस। ये क्या एंजल? अच्छा हुआ जल्दी आ गया, वरना मैं इसको मारने ही वाला था। साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहले रोलेक्स फिर पोसाइडन, अब एंजल, अब तू गया मेरे हाथों से। तुम लोगों ने भी तो सेम काम किया है, पहले मुझे मारा, फिर मेरे भाई को, फिर उसके बाद उसकी फैमिली खराब कर दी पूरी। हम तुम लोगों की तरह किसी की फालतू में पेटी नहीं बनाते, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए था, और आज फिर से तेरी पेटी बनेगी। ना ऐसे नहीं, अब दिखाता हूँ तुझे मैं असली अटैक। अब उस पोसाइडन की फैमिली पूरी तरह से ही खत्म कर देता हूँ। हाँ
मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ आओगे, क्योंकि तुम अपने दोस्तों को मरता हुआ देख नहीं सकते ना। बस बहुत हुआ बुलेट ड्रेवन, बहुत लोगों की पेटियां बना ली तुमने, अब किसी की भी बनने नहीं दूंगा मैं, चाहे मेरी ही क्यों ना बन जाए। ये करी ना बात, ऐसे ही कॉन्फिडेंस चाहिए बस। पिछली बार हमारी फाइट रह गई थी, आज कंप्लीट कर देते हैं। पिछली बार मुझे पता चल गया था कि तुमसे फाइट में नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मुझे इस बार अपना दिमाग लगाना पड़ा। अच्छा हुआ इस जगह पे हम दोबारा आ गए, क्योंकि तुम्हारे बाप की पेटी हम लोगों ने यहीं पे बनाई थी। ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने उन्हें फिर से जिंदा किया था। हो मतलब पहचानता इस जगह को। सही है सही है, अब तेरी भी पेटी यहीं चमकेगी। मुझे इतना हल्के में मत ले फेरो, कहीं पता चले तेरी उल्टा पेटी बन जाए इधर। तू उन सब की टेंशन मत ले, वो सब मैं देख लूंगा, तू सिर्फ फाइट स्टार्ट कर। कहां गया अचानक? बेटा इस खेल में तुम अभी अभी आए हो, हम कई सालों से फाइट कर रहे हैं। अच्छा ऐसी बात, तो अब बताता हूँ तुझे। चलो बहुत खेल लिया तुमने। चलो अब बातें बहुत हो गई तुमसे, अब तुम्हारी भी पेटी बना देता हूँ, फिर उसके बाद ब्रैम्बल और मैं बाकी सबको भी देख लेंगे आराम से। अभी से क्या हो रहा अचानक? ये क्या अजीब है अब? आके ये हुआ कैसे? इस जोकर के पास इतनी पावर आई कहां से? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Saleh, teri to... ओए सुन, मार दो उस लड़की को, छोड़ियो मत बिल्कुल भी। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। इसका ध्यान अब उधर है, मैं अपना अटैक कर सकता हूँ अब।
चलो बेटा, बहुत फाइट कर ली तुमने, अब घर जाओ, तुम्हारी माँ वेट कर रही होगी। ये क्या पापा, आप सच में इधर हैं? अब ये किससे बात करने लगा? तुम मेरे बेटे हो, इतनी आसानी से नहीं हार सकते। चलो खड़े हो जाओ और अटैक करो उसके ऊपर। चलो साथ में मिलकर अटैक करते हैं। इतने पावरफुल अटैक के बाद फिर से खड़ा हो गया ये? बहुत अच्छा लग रहा है अब। मैं हमेशा से चाहता था कि तेरी पेटी मैं अपने हाथों से ही बनाऊं, और आज मैं वो काम पूरा करूंगा। चल फिर, मरने के लिए रेडी हो जा फेरो। तुम्हारे इस फॉर्म के बारे में सुना तो था मैंने, पर ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा आज। मुझे गुस्सा दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। मुझे नहीं डर लगता तेरे से। ओह, तो ये लोग यहाँ फाइट कर रहे हैं, मैं इन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अरे ये क्या, फेरो अपने मैक्स फॉर्म में है, कहीं इनकी लड़ते लड़ते आपस में ही पेटी ना बन जाए। मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा। बहुत नौटंकी कर ली। चल अब तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देता हूँ। फेरो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि हमें इस बच्चे को मारना नहीं है? तुम भूल गई क्या, इसने हम पे अटैक किया था, इसकी पेटी जरूर बनानी चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। तुम इसे मारना चाहते हो, ये एक छोटा बच्चा है। तुम अपने इस फॉर्म पर काबू रखा क्या करो फेरो, कहीं ऐसा ना हो कि इस फॉर्म में तुम किसी भले आदमी की पेटी बना दो। ठीक है, नहीं मार रहा, पर अब इसका करे क्या? इस टाइम तो ये बेहोश है, एक काम करते हैं, इसको इसके घर ले जाते हैं, वहाँ इसकी माँ इसको संभाल लेगी। अगर ये फिर से फाइट करने आया तो? कोई नहीं, फिर से समझा देंगे हम इसे। बस निकल गया दम, अब बताता हूँ तुझे जोकर। अरे ये कहां से आ गया अब? ब्लड रेवन, अब खेल खत्म तुम्हारा। तुमने मेरी फैमिली पे अटैक किया, आज नहीं छोड़ूंगा जिंदा तुम्हें। अच्छा, अभी कमजोर बंदे पे अटैक करोगे? अच्छा तुम कमजोर की बात कर रहे हो, हमारे इतने लोगों की पीटियां बना दी, क्या वो कमजोर नहीं थे? ठीक है, मैं नहीं डरता तुमसे। चलो फिर, मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब इसकी पेटी का क्या करें? मुझे पता है जोकर, इसकी पेटी का क्या करना है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है फिर, तुम ठिकाने लगा देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, और जिन जिन भाई ने इस वीडियो में हेल्प करी है भाई सभी का थैंक यू, और दिल से बहुत मेहनत करी है सभी ने, तो भाई उन सभी के लिए कमेंट में कुछ अच्छी सी बातें लिख दो। और इसके बाद जो भी सीरीज आएगी भाई, वो भी बहुत खतरनाक होने वाली है, तो उसके लिए वेट करना, जल्दी मिलेगी वो आपको। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।